हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से स्वामी अग्रदास और नावादास जी को। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये जो है इतना सेशन दिया है स्वामी अग्रदास जी के बारे में, और यहाँ पे आप देखेंगे ये नावादास जी के बारे में। तो बस हमें इतना अच्छे से पढ़ना है, तो यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे वो हमारे सही होंगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, पढ़िएगा। यदि आपके पास रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, और यदि नहीं है तो इस वीडियो को सुन लीजिएगा। स्वामी अग्रदास जो हैं, इनके बारे में लिखा है शुक्ल जी ने कि रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद, रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद, और अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पेहारी थे, और कृष्णदास पेहारी के शिष्य अग्रदास जी थे। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे अग्रदास जी किसके शिष्य थे और किसके गुरु थे। देखिए, अग्रदास जी कृष्णदास पेहारी के शिष्य थे और नावादास जी के गुरु थे, ध्यान रखना है विशेष, दो नंबर पक्का है, ठीक है। इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नावादास जी थे, ठीक है। लिखा है गलता राजपुताना, मतलब राजस्थान के प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है, नाना जी से संबंधित है गलता। वहीं ये भी रहा करते थे और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई चार पुस्तकों का पता है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपका ये बन सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने अग्रदास की कितनी पुस्तकों का वर्णन किया है, संख्या में या नाम से। संख्या में चार हैं, नाम यहाँ पे दिए गए हैं कि हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ, ये चार हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, इनको पढ़ना है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बस इतना आपको अग्रदास जी के बारे में पढ़ना है अपनी परीक्षा के लिए, ठीक है। विशेष ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे दो चीज़ें और आप नोट कर सकते हो अपने नोट्स में। स्वामी अग्रदास जी जो हैं रसिक संप्रदाय के संस्थापक हैं, और ये इन्हीं को सीता जी की सखी या अली कहा जाता है, परीक्षा में ये भी प्रश्न बन चुके हैं, ठीक है। तो ये चार पुस्तकें याद रखना है, गुरु किसके थे, शिष्य किसके थे, ये भी याद रखना है, रसिक संप्रदाय के संस्थापक अग्रदास जी हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नावादास जी के बारे में। यहाँ पे देखेंगे कि नावादास जी जो हैं ये उपयुक्त अग्रदास जी के कौन थे, शिष्य थे, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संबत 1657 के लगभग वर्तमान थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। तुलसीदास जी और नावादास जी का नाम एक साथ लिया जाता है। इनकी प्रसिद्ध, इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है भक्तमाल है, जो 1642 के पीछे बना, पीछे शब्द जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया है। ध्यान देने योग्य है कि देखिए इनके बहुत सारे वाक्य आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। 1769 में प्रियादास जी ने उनकी टीका लिखी थी, भक्तमाल की सर्वप्रथम जो टीका लिखी है वो प्रियादास जी ने लिखी है, ये भी प्रश्न बन चुका है। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जो भक्तमाल है उसमें कितने भक्तों का वर्णन किया गया है, 200 भक्तों का। कितने छप्पे हैं, तो 316 छप्पे हैं, ध्यान रखिएगा। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन व्रत नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि जो स्थापना और तर्क के प्रश्न बनते हैं। केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई हैं, इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है, और उद्देश्य बहुत ही अंशों में सिद्ध भी हुआ है। आज जो उत्तरी भारत के गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्रज्ञ विद्वानों और पंडितों में से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से। नावा जी को कुछ लोग डोम बताते हैं, कुछ छत्री बताते हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने गए थे, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे ना मिल सके। दोनों समान थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। नावा जी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी जी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नावा जी से मिलने वृंदावन चले गए। लेकिन उस दिन नावा जी के यहाँ भंडारा था और गोस्वामी जी को खेद हुआ था, इसलिए बिना बुलाए पहुँच गए। तो गोस्वामी जी ने क्या किया, एक उन्होंने कहा अनावादास जी को ये ना लगे कि मैं अभिमानवश जो है इनसे नहीं मिला, तो वो दूर जाकर किसी गंदी जगह पर बैठ गए भंडारे में। तो नावादास जी ने भी जानबूझकर ध्यान नहीं दिया,
कि मतलब देख तो लिया कि तुलसीदास जी आए हैं, लेकिन उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया, तो प्रश्ने के कोई पात्र उन्हें नहीं मिला भंडारा में। तुलसीदास जी को ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी विशेष ध्यान नहीं दिया। जिसमें गोस्वामी जी ने क्या किया, फिर यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा यह कहने लगे। इस पर नाभा जी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ये प्रेम था। ऐसा कहा जाता कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पे के अंत में पहले नाभा जी ने कुछ चिड़करियाँ लिखा था, मतलब पहले जब वो नहीं मिले तो उन्होंने चिड़कर लिख दिया कि कलि कुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरे, कि जो कलयुग में कुटिल जीव तुलसी भय हैं, मतलब अवतरित हुए हैं, जो अपने आप को वाल्मीकि बता रहे हैं, वाल्मीकि का अवतार बता रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। ये वृत्तांत कहाँ तक ठीक है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी खान पान का विचार रखने वाले स्मार्ट वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभा जी का प्रसिद्ध छप्पे भी यहाँ पे दिया गया है, जो छप्पे है इसी में दिया गया है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। लेकिन इसमें जो है ये जो पद दिया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा भी गया है काफ़ी बार, तो इसे आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की हैं और ब्रजभाषा पर भी इनका अच्छा अधिकार था, पद रचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरितमानस संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह भी आया है। अष्टयाम भी लिखे हैं इन्होंने, अष्टयाम दो लिखे हैं, एक ब्रजभाषा में और दूसरा रामचरितमानस की शैली में दोहा चौपाई में, तो वो अवधि में लिखा होगा। उसका एक पद भी दिया गया है, यहाँ पे ये पद दिया गया है तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये जो है नाभादास जी के बारे में लिखा है। आगे प्राणचंद चौहान जी हैं जिनको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा यदि आपके पास रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास नहीं है। जो चीज़ें बताई हैं उन पर विशेष